नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। निकाय के रण से जुड़ी हुई 46 नगरीय निकायों में मतगणना, 18 जिलों की 17 नगर पालिका की गिनती, 29 नगर परिषद में भी होगी मतों की गिनती। 18 जिलों की 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद में 27 सितम्बर को मतदान कराया गया था। इसमें 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल है। मतगणना के ठीक बाद होंगे परिणाम घोषित। तो बड़ी और अहम जानकारी, एमपी में 46 नगरीय निकायों को लेकर अब मतगणना होनी है, जिसमें आपको बताते चले जीत और हार का फैसला कुछ ही देर बाद आ जाएगा। आपको बता दें कि 12 से 1 बजे तक अनुमानित समय लगाया गया है जब जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। 18 जिलों की 17 नगर पालिका की गिनती होनी है और थोड़ी ही देर में गिनती की शुरुआत हो जाएगी। 29 नगर परिषद में मतों की गिनती होगी। 18 जिलों की 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद में 27 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसकी आज गिनती की जाएगी। आज होगी काउंटिंग और ऐसे में सभी प्रत्याशियों की धड़कनें आज तेज है। आखिर क्या निकल कर आती है अंत में, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्योंकि मुख्य मुकाबला था। और देखिए, निकाय चुनाव के दंगल की अगर बात करें तो खंडवा नगर परिषद में छनेरा में हुआ ये चुनाव, साथ ही साथ बुरहानपुर नगर पालिका परिषद, नेपानगर, खरगोन नगर परिषद, मंडलेश्वर, महेश्वर, बीकनगांव, अलीराजपुर नगर परिषद, चंद्रशेखर आजाद नगर, जोबट नगर पालिका परिषद, अलीराजपुर में ये तमाम जगह हैं जहाँ पर चुनाव हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, शुभम, राकेश और अरविंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कहता है वहां का मिजाज, क्या कुछ वहां की जनता कहती है, और 46 नगरीय निकायों में जिस तरह से मतगणना हुई है, आखिर क्या कुछ परिणाम आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। आज 30 तारीख है और आज ही का दिन था जब मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के परिणाम आने थे। इसमें से खास बात यही है कि 41 जो सीटें हैं वो आदिवासी इलाकों से यानी ट्राइबल एरिया से आती है, और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कांग्रेस की ओर से PCC चीफ कमलनाथ हो, दोनों ने ही इन सीटों को लेकर जमकर प्रचार प्रसार किया है। लगातार हमने देखा कि कई तरह की उन्होंने सभाएं की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी जाते रहे, तो मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा है। और चूँकि 2023 यानी कि अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले हर राजनीतिक दल इन चुनावों को काफ़ी गंभीरता से ले रहा है, हर इलेक्शन को महत्वपूर्ण मानता है, और एक तरह से जनता का मिजाज आपके प्रति पता चलता है कि बीजेपी की ओर जनता का झुकाव है या फिर कांग्रेस की ओर। जिस तरह से हमने हाल ही में जो चुनाव हुए 16 नगर निगमों के, उसमें देखा किस तरह के नतीजे रहे कि 5 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती, जबकि 16 की 16 सीटें जो है वो बीजेपी के पास थी, सारे मेयर बीजेपी के थे, मगर एक आम आदमी पार्टी, एक निर्दलीय, 5 सीटें कांग्रेस के पास आई और उसके बाद जो बची हुई 9 सीटें थी वो बीजेपी ने जीती। तो इससे एक ये चीज़ तो पता चली कि बीजेपी से भी जनता पूरी तरह जो है वो खुश नहीं थी, कि एक तरफ आपने क्लीन स्वीप किया था, उसके बाद 16 में से जो है आप 9 सीटों पर आ गए, कांग्रेस 0 पर थी, 5 पर आ गई, तो इससे कांग्रेस भी बूस्ट हुई। अब ये जो 46 नगरीय निकाय है इसमें भी देखना होगा, क्योंकि इसमें 17-18 नगर पालिका भी है, तो ये इलेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। और किसी भी शहर की राजनीति अगर आप देखें तो वो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन्हीं से पूरी तरह से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर अगर कोई भी दल स्ट्रांग होता है तो फिर उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसे जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आलोक हमारे साथ झाबुआ से जुड़े हैं, आलोक के ओर रुख करना चाहूंगी। आलोक, क्या कहती है झाबुआ की जनता, और साथ ही साथ अब कितनी देर में जो काउंटिंग है, गिनती है, वो कितनी देर में शुरू होगी? और चलिए राकेश की ओर रुख करना चाहूंगी। राकेश अलीराजपुर से जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ कहती है अलीराजपुर की जनता, और मुख्य मुकाबला आखिर किनके किनके बीच है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है 12 से 1 बजे के बीच? देखिए,
जी आपको बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले की एक नगर परिषद, दो नगर परिषद और एक नगर पालिका के लिए मतदान 27 तारीख को संपन्न हुआ है। कुल 48 वार्ड के लिए 154 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, आप पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार सभी मैदान में है और सभी पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है। 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी अपने जीत के दावे को सफल बनाती है। बिल्कुल आलोक और रुक करना चाहूंगी, झाबुआ से हमारे साथ आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है आज की इस गिनती के बाद जो परिणाम आएंगे? देखिए अश्मिता, इस बार मुकाबला कड़ा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आम आदमी के जो प्रत्याशी हैं वे भी खड़े हुए हैं, तो कहने का यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे हैं वे काफी अप्रत्याशित रहेंगे। बाकी भाजपा और कांग्रेस का अपना अपना दावा है कि वे ही नगर पालिका और नगर परिषद में अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, शुभम की ओर रुख करना चाहूंगी। शुभम, क्योंकि इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और कुछ समय बाद चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये जो आज गिनती की जा रही है उस परिणाम के बाद कितना असर पड़ सकता है बीजेपी को और कितना असर पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए स्मिता, हमने हमेशा से देखा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, यानी कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें से एक सीट लोकसभा की थी, 3 विधानसभा की थी। इसे भी एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया और वो इसलिए देखा गया कि जितने भी इलेक्शन मेन इलेक्शन से पहले होंगे, यानी विधानसभा चुनाव से पहले होंगे, उससे कोई भी राजनीतिक दल एक सेमीफाइनल के तौर पर ही देखता है क्योंकि उससे पता चलता है कि जनता का झुकाव क्या है, जनता का मिजाज क्या है और उसके बाद फिर वो उतनी मेहनत भी करते हैं। तो उस वक्त हमने देखा कि उसमें ज़्यादा सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। फिर इसके बाद हाल ही में नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि एक तरह से बराबरी का ही मुकाबला रहा है क्योंकि काफ़ी क्लोज फाइट थी। अगर आप उज्जैन सीट देखें तो उसमें महज 400-500 वोटों से ये सीट बीजेपी ने जीती थी। बुरहानपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, खंडवा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी। अब अभी के जो इलेक्शन है, क्योंकि वो इलेक्शन हो चुके हैं, आप आगे थोड़ा सा 2-3 महीने आगे बढ़े हैं, अब इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का ये इलेक्शन है, तो इसमें भी जो ट्राइबल इलाके हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आदिवासियों को लेकर किस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में होती रही है, अलग अलग तरह की योजनाएँ। अभी विश्व आदिवासी दिवस गया था, उसको लेकर हमने देखा कि कांग्रेस ने कहा कि इस वक्त हमारी सरकार छुट्टी देती थी, सरकारी छुट्टी घोषित होती थी, मगर बीजेपी ने ये नहीं किया। बीजेपी बिरसा मुंडा जयंती जो है वो बड़े स्तर पर मना रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमने देखा है कि सियासत भी जमकर हुई है। अब उन इलाकों में ये सारा के सारा इलेक्शन है, 46 में से 41 सीटें तकरीबन ट्राइबल एरिया से आती है, तो आदिवासियों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, किस राजनीतिक दल को लेकर, पार्टी को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से आज स्पष्ट होगी। बिल्कुल आलोक, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी। झाबुआ नगर पालिका नगर परिषद में मुख्य मुकाबला किनके बीच, कितनी किस कौन किसको कितनी चुनौती दे रहा है आखिर? आलोक, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, राकेश की ओर रुक करना चाहूंगी, अलीराजपुर से जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ कहता है वहां पर मिजाज, क्योंकि अब काउंटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, ऐसे में गहमा गहमी भी देखने को मिल रही होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी जानना चाहेंगे। जी, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान ने अलीराजपुर नगर पालिका का पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुआ था मतगणना के दिन। आज भी चारों तरफ सभी पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश पटेल ने स्वयं मैदान में उतर के कांग्रेस पार्टी को जितवाने के लिए दावा किया है और वो मतदाताओं को रिझाने का भी काम किया है। साथ ही उन्होंने समझाइश भी दी है कि इस बार एक बार कांग्रेस की पार्टी को एक बार नगर पालिका में बिठाइए और जीत हासिल कराइए हमें, हम अलीराजपुर नगर पालिका का विकास करेंगे। बिल्कुल,
कहीं ना कहीं अब इसके बाद से ही लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है। देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां 46 नगरीय निकायों के लिए आज मतगणना होनी है, 18 जिलों की 17 नगर पालिका की गिनती, 29 नगर परिषद में भी वोटों की गिनती की जाएगी। और आपको बताते चले कि अब कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जीत और हार का इंतजार है। कुछ समय के बाद इससे भी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि अब कितने राउंड की काउंटिंग होनी है ये इस पर सभी की नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ 12 से 1 बजे तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसका रिजल्ट आ सकता है। बहरहाल शुभम हमारे साथ जुड़े हुए थे, आलोक और राकेश आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी देने के लिए। और जो खबरें निकल कर आई है, ऐसे में सभी को इंतजार है नतीजों का, आखिर क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। प्रत्याशियों के दिल की धड़कने तेज हो चली है। और बड़ी जानकारी, दिग्विजय सिंह आज भरेंगे नाम।